छोड़िए, तो मैं आप सबके सामने कह दूं शायद मैं पैसा कमाता हूं आधा, लेकिन मैं खुश रहता हूं। तो थ्री इडियट पिक्चर में बोलते हैं ना आमिर खान के दोस्तों को, खासकर जो दिखे थ्री इडियट, वो जो तीसरा जो फोटोग्राफर बन जाता है, दैट इज एक्चुअली द रियलिटी ऑफ लाइफ। तो वो पिक्चर 2009 में आई थी, लेकिन मैंने अपना टेस्ट 2005 में ले लिया था, ठीक है। एंड दैट इज व्हाट द रियलिटी ऑफ लाइफ इज, लाइफ इज आप टेंथ के बच्चे हो, सिर्फ परसेंटेज से बच जाइए, बंद करनी तो उसी बटन पर। आप आसपास देखिए कि एक साइकोमेट्रिक टेस्ट है, तो हम उसी को बाई चांस की बात है, हम तो एक्चुअली कुछ और बात करने आए थे, पर उन्होंने बताया कि आप टेंथ के बच्चे हो, तो शायद आपके लिए सही मौका है। और एक मेरी जेन्युइन सजेशन है आपको कि आप 8 साल बाद करियर चेंज करो, 10 साल बाद करियर चेंज करो। मैं तो उनको भी देखा बेटा जो डॉक्टरी कर रहे थे, 3 साल बाद छोड़ दी पढ़ाई, क्योंकि वो 3 साल तो आपने किसी तरह निकाल लिए, उसमें किताबें देखने का मन ही नहीं करता, पर आपका मन कर रहा है कि यू रियली लव टॉकिंग अबाउट फैशन, यू रियली लव टॉकिंग अबाउट एनिमेशन, यू लव टॉकिंग अबाउट क्रिएटिव डिजाइनिंग। तो उस करियर में जाएंगे तो पैसा भी बहुत कमाएंगे और खुश भी रहेंगे, और शायद देश के लिए एक अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन भी कर पाएंगे। तो करियर आज के बहुत, टीवी सब देखते हैं ना, जो तो आज डांस कर रहे हैं वो भी करोड़ों कमा रहा है, जो गाना गा रहा है वो भी कमा रहा है, तो वो चीज़ बिल्कुल खत्म हो गई है कि बस इंजीनियर, डॉक्टर, सीईओ, लॉयर, दुनिया में खाली 4 ही करियर है जिसमें आपको पैसों की इज्जत मिलती है। आजकल कम से कम 4,000 करियर है इंडिया में जिनमें आप पैसा कमा सकते हो, 4,000। तो वो काम करो ना जिसको काम करने से आपको मज़ा भी आता है। आप सुबह उठ के जब ऑफिस जाओ तो आपका दिल करे जाने का, बजाय कि आप ये सोच के जा रहे हो कि हाय आज का दिन फिर से काटना पड़ेगा, करेक्ट। जब एक बार डिसाइड कर लो, फिर जिसको नॉन मेडिकल करने का मन है वो बहुत ही अच्छे तरीके से नॉन मेडिकल करो, पूरी जान लगाइए। 11th 12th में आप अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, क्लासेस ठीक से अटेंड करो, कोचिंग की जरूरत है तो कोचिंग लीजिए, आपको लगता है कि आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, बहुत अच्छा। ट्राई टू रीच द बेस्ट कॉलेज ऑफ इंडिया ऑलवेज, जिस तरह में अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं उस तरह आप अच्छे कॉलेज में पढ़िए, बिकॉज अच्छे कॉलेज में पढ़ के जो आपको अच्छे टीचर्स पढ़ाएंगे दैट विल रिमेन विद यू फॉर लाइफ। एवरेज कॉलेज, एवरेज टीचर, सब कुछ एवरेज, अच्छा कॉलेज, अच्छे टीचर, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ अच्छा। तो फिर आपका नेक्स्ट टारगेट ये होना चाहिए कि जो मैंने मन का कोर्स करा, मैं 11th 12th में इतनी मेहनत करूँ कि मैं नॉन मेडिकल हूँ तो मैं IIT DC पहुँचूँ, मैं मेडिकल लूँ तो मैं किसी गवर्नमेंट कॉलेज में पहुँचूँ, मैं कॉमर्स लूँ क्योंकि मेरा वो निकला था इंटरेस्ट, मेरा मैनेजमेंट निकली थी या अकाउंटिंग निकली थी, तो अब शेष उद्देव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडी में पहुँचूँ मैं, या श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में पहुँचूँ, अगर मेरा लॉ निकले तो मैं नेशनल लॉ स्कूल में पहुँचूँ। टारगेट और उम्मीद हमेशा ये रखो, यू आर स्टडिंग इन ए गुड स्कूल, यू आर स्टडिंग इन ए वेरी गुड स्कूल, इस जगह का फायदा उठाइए अपना करियर बनाने के लिए। कभी ये मत सोचिए खाली हमें स्कूल पास करना है, 10th पास करनी है, 12th पास करनी है, यू आर स्टडिंग इन पब्लिक स्कूल राइट, पेरेंट्स फीस पे कर रहे हैं, तो फी के वैल्यू समझिए और इन टीचर से, जो अच्छे टीचर से ज्ञान लीजिए, सिर्फ क्लासेस अटेंड करने के लिए स्कूल बताइए, ये सोचो स्कूल में जाइए कि मैंने नॉलेज लेनी है, अल्टीमेटली यही नॉलेज ही आपको सक्सेसफुल बनाएगी। मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर बने वो खाली इकोनॉमिक्स थे, ना वो इंजीनियर थे, ना वो डॉक्टर थे, ना वो सीनियर थे, ना वो लॉयर थे, उन्होंने इकोनॉमिक्स ऑनर्स करा, फिर मास्टर्स ऑफ इकोनॉमिक्स करा। आप ऐसे जितने भी नाम सोचेंगे, और लाइफ में जिसने बड़ा बनना है वो तो चाय वाला भी बन गया। कैसे बन गया? बिकॉज ही लव्स पॉलिटिक्स, ही लव्स, उनके साथ इनहेरेंट टैलेंट था। विराट कोहली भी बहुत अमीर है, क्या वो इंजीनियर है, क्या वो डॉक्टर है, क्या वो लॉयर है, क्या वो सीए है। PV Sindhu भी बहुत अमीर हो गई आजकल, वो भी 5 में कुछ नहीं है ना, तो आप बैडमिंटन खेल के भी आगे बढ़ सकते हो, आप टेबल टेनिस खेल के भी बढ़ सकते हो, आप डांस करके भी बन सकते हो, डांस सिखा के भी आगे बढ़ सकते हो, राइट। सो देयर आर वेरियस काइंड ऑफ करियर्स, चूज अ करियर दैट सूट्स योर पर्सनैलिटी, ये मेरी सजेशन है आपको। उसके सेंटिफिक आ चुके हैं, आपको सर नंबर बता देंगे अगर आपको इंटरेस्ट होगा, तो हम आपको गाइड कर देंगे कौन सा टेस्ट आपको लेना चाहिए, तो टेस्ट आप लीजिए, उस
टेस्ट के बेसिस पे आप अपना 11th का फाइनल कीजिए, ढंग से बोर्ड के पेपर दीजिए। और अगर आपको स्कूल बोलता है कि उससे पहले आपको चूज करना है अपनी स्पेशलाइजेशन, तो एक दिन दो घंटे वो टेस्ट होता है, वो जरूर लीजिए वो टेस्ट। मैं आपको ये कह सकता हूँ कि आपके आपके आने वाले 50 साल मैंने बोलता हूँ पीछे लेके चेंज कर देगा। आज आपने वो कोर्स चुन लिया जो कोर्स आपके दिल से आपको